वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको रीड करनी चाहिए फॉर ग्रामर्स एंड वोकैब सेक्शन आल्सो, एंड सेकेंड आपको हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से इस इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो सारी की सारी चीजें का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में पूरी तरह दी गई है, तो इस वीडियो को पूरी तरह से आपको देखना है। सबसे पहले फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जानना। नो अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एज वेल एज एमटीएस, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट है, वोकैब के पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बेस के पोर्शन कितने इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बुक्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। एंड थर्ड, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं इस सब्जेक्ट में किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला हूँ। एंड फोर्थ, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर मैं आपको किस तरह से हेल्प करूंगा उसके लिए मैं सारा कुछ प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ और किस तरह से आप घर पे बैठ के आप प्रिपरेशन अपना कर सकते हो विदाउट गोइंग एनी कोचिंग। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके एग्जाम को देखते हुए इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस। अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, उसके अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को तीन सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। यानी इंग्लिश सेक्शन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड ग्रामर सेक्शन, सेकेंड सेक्शन इज कॉल्ड वोकैब सेक्शन, एंड थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। इंग्लिश को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। इसी तीन सेक्शन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का। फर्स्ट सेक्शन ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आपके एग्जाम में, वो चीजें आपको मैं बताता हूँ। पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर्स के, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी की सारी चीजें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाती है, ठीक है। सेकेंड जो अलग से ग्रामर्स में पढ़ना है, मैं वॉइस पढ़ना है, वॉइस। थर्ड, नरेशन। एंड इन तीनों के बेस्ड ये जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे जो हमारा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है स्पोर्टिंग। तो ये ग्रामर सेक्शंस में आ गए। आपको मैं सबसे पहले आपके सिलेबस को बता रहा हूँ, क्या क्या सिलेबस है, आपके क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ग्रामर सेक्शन में हमने इन चीजों को इंक्लूड करके रखा है। सेकेंड जो मेजर पोर्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें कवरअप करनी होती है, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं साइनो और एंटो बोलता हूँ। सेकेंड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। थर्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेज। एंड फोर्थ है फ्रेजल वर्ब्स। इसको मैंने क्या एक सेक्शन में डिफाइंड कर दिया, जिसको हमने सेक्शन टू का नाम दिया, जिसको हम कहते हैं वोकैब सेक्शन। और ये मैंने कैटेगरी, मैंने ये जो सेक्शन डिवाइड किया हूँ ये अपने अकॉर्डिंग किया हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ग्रामर सेक्शन, सेकेंड पार्ट इज वोकैब सेक्शन एंड थर्ड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। इन द ग्रामर सेक्शन वी आर कैटेगराइज इंटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर इंक्लूडिंग द टॉपिक्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एंड सेकेंड क्या है, वॉयस, नरेशन एंड स्पोर्टिंग एरर। इन सारी चीजों को मैंने ग्रामर सेक्शन में इंक्लूड किया। वोकैब सेक्शन में हमने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड किए हैं, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। एंड जो मेजर रोल और आता है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में आपका क्या कौन कौन से सिलेबस में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई पैसेज दे दिया जाएगा उसको आपको सोल्व करना है, उसमें चार क्वेश्चन, पैराजम्बल्स,
पैराजम्बल्स के भी क्वेश्चन आते हैं आपको जम्बल्ड फॉर्म में, मतलब एक कोई भी एक क्या है सेंटेंस है बहुत बड़ा, उसको पार्ट वाइज ब्रेक करके उसको अरेंजमेंट यानी पैराजम्बल्स यानी जम्बल्ड फॉर्म में आगे पीछे कर दिया गया उसको अरेंजमेंट करना, यानी उसी को एक और नाम दे सकते हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट, एक पैसेज दिया हो बीच बीच में आपको ब्लैंक स्थान दिया गया उसमें क्या फिलअप करना है, क्लोज टेस्ट हो गया, एंड फिल इन द ब्लैंक। ये सारी चीजें अगर आप इन तीनों को कंक्लूड करो, इन तीनों को कंक्लूड करते हो ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन और अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। अगेन आपको समझा दूं, अगर आप तीनों सेक्शन को इंक्लूड करते हो तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो और MTS हो। तो हमने सारे सेक्शन को डिवाइड करके आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझाया हूँ कि चाहे वो CGL प्रीमेंस का सिलेबस हो, CPO प्रीमेंस का, CHSL, ये सारी चीजें आपको इतने में ही इंक्लूड हो जाती। तो ये था आपका सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब बात आती है कि कौन सी चीजें कहां से हम पढ़ें, बुक्स कौन सी पढ़ें। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हमारा जो पॉइंट था वो देखिए, पहले हमारा पॉइंट था नो अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ CGL, CPO, CHSL एंड MTS। एंड सेकेंड पॉइंट है कि बुक्स, कौन सी बुक्स किसके लिए क्या पढ़नी है। तो देखिए, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम CGL, CPO, CHSL, MTS, ये सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने तीन बुक्स आप मेरे तरफ से, ये तीन बुक्स आपको ऑलरेडी है, आपको बाई कर लेना चाहिए। आपको बाई करके ये तीन बुक्स को ही कंप्लीट करना है, इसके अलावा कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब बात आती है कैसे आपको कवरअप करना है। देखिए, जो ग्रामर सेक्शंस और वोकैब सेक्शन है तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से तरीके से करते हो। देखिए, आपको क्या करना है, ग्रामर सेक्शन ये फर्स्ट बुक है, ये सेकेंड बुक है एंड थर्ड बुक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, वो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। प्लेन टू पारामाउंट बाय केडी कैंपस की बुक आती है, नीतू मैडम की बुक आती है, यहां से आप क्या कर लो ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी है, थोड़ा बहुत समझ है, अच्छे इंग्लिश की समझ है, आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप ग्रामर की सेक्शन यहां से भी कवरअप कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, एक मिनट मेरा बैटरी लो हो पड़ा है, मैं आपको इसको ऑन करके आपको पुनः का पुनः समझाता हूँ। देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि जो आपके ये जो जितने भी ये सिलेबस हैं, इसका जो ये ग्रामर वाला पोर्शन है आपको कहाँ से कवरअप करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। वोकैब का पोर्शन कहाँ से कवरअप करना है, वो कौन सी बुक से कवरअप करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग सेक्शन वाले चीजों को कैसे कवरअप करना है वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्रामर्स पार्ट आता है, तो ग्रामर्स में आपको करना क्या है, आप इन दोनों बुक्स में से कोई बुक्स चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आप इस बुक्स को चूज करें, यानी ये बुक्स जो क्या है केडी कैंपस बाय नीतू मैडम के द्वारा लिखा गया है, इसका वॉल्यूम वन बाई कर लें। और इसमें जितने भी ग्रामर सेक्शंस जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वॉयस हैं, नरेशन है, ये सारी चीजें आप यहां से कवरअप कर सकते हो इस बुक से। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इस वाले बुक से भी जा सकते हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर बाय एसपी बच्ची, राइटर बाय एसपी बच्ची की बुक्स है ये, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है, लिखा गया है एसपी बच्ची के द्वारा, आप इसमें से भी ग्रामर कर सकते हो। लेकिन कोई एक बुक्स ग्रामर्स के लिए फॉलो कर लो। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो ये केडी कैंपस की बुक्स लेकर के मार्केट से आ जाओ। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आप इस बुक्स को ग्रामर के लिए रेफर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, इफ यू आर एबल टू रीड द केडी कैंपस बुक्स देन यू कैन गो थ्रू केडी कैंपस बुक्स, इफ यू आर एबल टू रीड द ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर बुक्स देन गो थ्रू एसपी बच्ची बुक्स। अगर आप इसके एबल करते हो, आप इसमें पढ़ सकते हो इजिली, तो आप इसको फॉलो करें। अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो इसको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे क्या करना है। ग्रामर्स की बुक्स आप यहां से पढ़ रहे हो, ग्रामर्स के सेक्शन आपने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। जब ग्रामर्स के सेक्शन पढ़ लोगे तो आपको ग्रामर के सेक्शन, जब जैसे ही आप पढ़ोगे, रूल्स दिए होंगे, रूल्स के बाद आपको एक्सरसाइज दिए होंगे। उस एक्सरसाइज को क्या करना है, आपको पहले रूल्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब जैसे ही आपका वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नाउन टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, इस बुक्स की ग्रामर की नहीं पढ़ना है, आपको इसके एक्सरसाइज, जो नाउन टॉपिक है उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट, ठीक है।
तो ये रहा कि ग्रामर पोर्शन आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। आपको ग्रामर पोर्शन आपको या तो आप केडी कैंपस के बुक से कंप्लीट कर सकते हो या आप एसपी बच्ची के बुक से कंप्लीट कर सकते हो। अब वोकैब सेक्शन जो आता है तो देखिए यहां पे भी वोकैब दिए गए हैं और यहां पे भी वोकैब सेक्शन का जितनी भी चीजें दी गई हैं, जैसे देखो साइनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो आपको यहां से भी कवर अप करना है। प्लेन टू पैरामाउंट बुक्स यानी केडी कैंपस की जो बुक्स है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर्स की भी बुक्स कंप्लीट करनी है। और जो फ्रेजल वर्ब्स था, ये आपका फ्रेजल वर्ब्स जो है ये आपको इस बुक्स एसपी बच्ची से कंप्लीट करनी है। तो यानी ग्रामर और वोकैब का सेक्शन यहां से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेयर एग्जांपल्स क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको क्या है कि इस पे आप किस तरह से कमांड करो। आप जितनी ज्यादा रीडिंग हैबिट अपनाओगे, जितनी ज्यादा चीजों को इंग्लिश को सीखोगे, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा आप करेक्टनेस से आप इन सारी चीजों को डील करते जाओगे। तो इसके लिए क्या आता है, जैसे ही आपने ग्रामर और वोकैब सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया इन दोनों बुक से, तो अब आपको आता है प्रैक्टिस सेक्शन। और यही प्रैक्टिस सेक्शन से ही यानी प्रैक्टिस जो करोगे आप इस बुक से करोगे, एमबी पब्लिकेशन की बुक्स है। और इसमें क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2013 से 2017 तक के मिल जाएंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चन आपको यहां से, आपको अगर बात करूं तो आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपका इधर का पोर्शन कंप्लीट हुआ है ग्रामर का या नहीं। अगर आपका नहीं हुआ है तो वन मंथ के अंदर आप इस बुक्स को फिनिश करो ग्रामर वाले सेक्शन को। लेकिन आप क्या करो, जैसे ही आपका वन मंथ के बाद यहां से आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करो और इसी प्रैक्टिस सेट से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा और ये दोनों का रिवीजन भी होगा। तो ये तीन बुक्स को आपको फॉलो करना है। आप तीनों बुक्स को फॉलो करके आप सिलेक्शन तक ले जा सकते, अपने आपको सेलेक्ट कर सकते हो, अपने आपका सिलेक्शन ले सकते हो, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीपीयू का, सीएचएसएल का, एमटीएस का। इन तीनों बुक्स को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अच्छे स्कोर ला सकते हो, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे हेल्प करने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ, केडी कैंपस जो बुक है, जिस जो ये बुक है, इस बुक्स को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस बुक्स को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं कंप्लीट कराऊंगा। एसपी बच्ची की बुक्स, क्योंकि ग्रामर्स मैं यहां से कंप्लीट करा दिया, तो यहां पे जो एक्सरसाइज है ग्रामर की, यहां की ग्रामर की एक्सरसाइज मैं एसपी बच्ची के बुक से कंप्लीट कराने वाला हूं। और एमबी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है यहां भी मैं कंप्लीट कराऊंगा वन बाई वन। ठीक है, तो अगर जो लोग भी सीजीएल 2019 और 20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। अब बात आती है अभी करंटली टाइम मैं आपको क्या कवरअप करने वाला हूं। तो देखिए ये जो अगस्त मंथ है, इसमें मैं आपको क्या कर सकता हूं, वोकैब की वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, यानी वोकैब सेक्शन पे हम काम करने वाले हैं। देखिए वोकैब सेक्शन एक बहुत ही वास्ट, सब अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वास्ट है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि वोकैब इतनी ही आप इतना ही पढ़ लो। यानी एटलीस्ट हमें इन दो बुक्स की वोकैब को कंप्लीट करना है, समझ गए बात को। तो मेरे पास अगस्त जो ये मंथ है, इस मंथ में मेरा शेड्यूल बिजी है, तो अभी मैं ग्रामर सेक्शन को इंक्लूड नहीं करूंगा। अभी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, वोकैब सेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ, यानी वोकैब की वीडियो पर डे आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 10 वर्ड पर डे आपको लेने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 50 वर्ड एक ही दिन में करा दूं, क्योंकि 50 वर्ड करने से कोई फायदा नहीं। आप 10 वर्ड्स को समझो, उसको बार बार रिविजन करो, क्योंकि रिविजन इज द की टू अचीव द सक्सेस। कभी भी आपको बार बार रिविजन से ही आप कभी भी किसी चीज को हासिल कर सकते हो। और खासकर इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप प्रैक्टिस अलॉट ऑफ करोगे ना तो आप ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करने वाला हूँ, वोकैब सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही कमिंग सून, जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कराऊंगा वन बाई वन। जो लोग 2019 और 20 की प्रिपरेशन करने वाले हैं सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस की, उनके लिए आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या होगा, एक मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करूंगा इस कमेंट्स बॉक्स में, जहां पे आप कमेंट्स करते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगा। वो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ऐप्स है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर अकाउंट बना लो। उसके बाद क्या करो,
जो मैं कमेंट्स में लिंक दिया हूं उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। देखिए जो लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं यहां से वो तो ठीक है, अगर जो लोग को एरर बताएगा, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को एरर बताता है उनके, तो वो क्या करें, अपना टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करें, उसके बाद वहां पे सर्च करें, टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करने के बाद सर्च करें लर्न इंग्लिश स्टडी, बीच में कोई भी ब्लैंक मतलब बीच में कोई स्पेस नहीं देना, लगातार लिखना है लर्न इंग्लिश स्टडी। उसके बाद जैसे ही ये लिखोगे सर्च करोगे आपको ये शो होने लगेगा इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर वीडियो क्लास, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। कल से मैं आपको क्या करूंगा, कल से आपको 7 AM पे मैं डेली 10 वोकैब वर्ड प्रोवाइड करूंगा, और जैसे ही अगस्त महीना इंड हो जाएगा सितंबर से आपके ग्रामर्स एज वेल एज वोकैब दोनों सेशन स्टार्ट करने वाला। तो अब आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट्स में मजा आने लगेगा, जैसे अभी आपको मैथ सब्जेक्ट में मजा आता है उसी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट में भी मजा आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय। कल से हम आपको रेगुलर स्टार्ट करते हैं वोकैब सेक्शन, अगस्त मंथ में पूरा का पूरा वोकैब सेक्शन चलेगा, आफ्टर दैट सितंबर मंथ से मैं आपको ग्रामर एंड वोकैब दोनों को साथ लेकर के चलूंगा, और टाइम टू टाइम आपको क्या करूंगा, जो MB पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सीरीज जो आपके SSC एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है आप उसको मैं भी कराने वाला हूं। तो आपके पास मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं कि 3 बुक्स मैं आपको फिनिश कराने वाला हूं, इन तीनों बुक्स को आपको अगर आप बाई कर लेते हो तो बेटर है, नहीं तो आप मेरे वीडियो के थ्रू आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।